Hello students hope you all are doing good today we are going to read a chapter the name of the chapter is great indians great indians that जिन्होंने इंडिया का भारत का नाम रोशन किया है इंडिया में बोर्न होने वाले इंडिया में पैदा होने वाले ऐसे लोगों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड द फर्स्ट वन इज सी वी रमन सी वी रमन चंद्रशेखर विकांता रमन वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू विन द नोबल प्राइज ये हमारे एक वैज्ञानिक थे साइंटिस्ट थे फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट थे ये जिनको नोबल प्राइज मिला था इनका पूरा नाम है चंद्रशेखर विकांता रमन ओके हिज डिस्कवरी इज़ नोन एज द रमन इफेक्ट और इन्होंने जो डिस्कवरी की इन्होंने जो अविष्कार किया उसको नाम दिया गया रमन इफ़ेक्ट का ओके ही वॉज बॉर्न इन दयर एटीन एटी एट एट त्रिचुलिपुली इन तमिलनाडु तमिलनाडु में अठारह सौ अट्ठासी में इनका जन्म हुआ था ही वॉज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड हिज़ फेवरेट सब्जेक्ट वॉज़ फिजिक्स ये एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे बहुत ही होनहार विद्यार्थी थे और इनका पसंदीदा विषय क्या था फिजिक्स नेक्स्ट है महात्मा गांधी महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी वॉज ऑन सेकेंड अक्टूबर अ स्मोल विलेज इन गुजरात सीधा पिक्चर महात्मा गांधी को सब जानते हैं मोहनदास करमचंद गांधी इनका नाम है पूरा और दो अक्टूबर अठारह सौ उनहत्तर में इनका पोरबंदर में जन्म हुआ था जो कि एक छोटा सा गाँव है गुजरात का हिज पेरेंट्स वर करमचंद गांधी एंड पुतली बाई उनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतली बाई ही स्टडीज़ लो इन इंग्लैंड ही वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर और इन्होंने कानून की पढ़ाई की इंग्लैंड से और वकील वकालत में प्रैक्टिस के लिए ये साउथ अफ्रीका चले गई रविंद्र नाथ टैगोर गिव हिम द टाइटल महात्मा बिकॉज ऑफ हिज सिंपलिसिटी तो बच्चों ये बहुत सादगी इनकी वेशभूषा थी तो रविंद्र नाथ टैगोर ने इनकी वेशभूषा देख के इनकी सादगी देख के इनको महात्मा का टाइटल दिया ही वो शूट डेड बाय नथू राम गौड से ऑन थर्टी जनवरी 1948 और नथू राम से एक ब्रिटिशर्स था जिसने इसको इनको शूट कर दिया था 30 जनवरी 1948 को टैगोर। गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है सी द पिक्चर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर रविन्द्र नाथ वॉज बोर्न ऑन सेवन मे 1861 सिक्सटी वन इन कोलकाता कोलकाता में इनका जन्म हुआ था सेवन मे 1861 को He was the first Indian to win the Nobel Prize for his book Gitanjali. इन्होंने एक किताब लिखी थी Gitanjali जिसकी वजह से इनको Nobel Prize मिला तो ये first Indian थे जिनको Nobel Prize मिला अपनी किताब Gitanjali के लिए He was a great poet हु रोट आर नेशनल एंथम जनगण मन और ये एक महान कवि थे जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी लिखा है जनगण मन जो हम नेशनल एंथम गाते हैं ये रविन्द्र नाथ टैगोर जी ने लिखा है ही फाउंडेड विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऑफ शांति निकेतन और इन्होंने एक विश्व भारती यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की है ओके अब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीधा पिक्चर नेहरू जी को भी सब जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ही वॉज बॉर्न ऑन फोर्टीन नवम्बर एटीन एट्टी नाइन एट अलाहाबाद इन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के अलाहाबाद में इनका जन्म 14 नवंबर अठारह को हुआ था हिज पेरेंट्स वर मोतीलाल नेहरू एंड स्वरूप रानी पिता का नाम था मोतीलाल नेहरू और माता का नाम था इनके स्वरूप रानी ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे फोरटीन नवम्बर को हम बाल दिवस मनाते हैं जो कि इनका जन्मदिन होता है उस दिन चिल्ड्रन कोल्ड हेम चाचा नेहरू और प्यार से बच्चे इन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते हैं ओके नेक्स्ट इज सरोजनी नायडू शी वॉज नोन एज नाइटिंगल ऑफ इंडिया भारत कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है क्योंकि इनकी आवाज बहुत मधुर थी सरोजनी नायडू वॉज बॉर्न ऑन थर्टींथ फरवरी 1879 इन हैदराबाद हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को द इंडियन नेशनल एक संघ है उसकी प्रेसिडेंट बनी राष्ट्रपति बनी शी बिकेम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट शी ऑन फर्स्ट मार्च 1949 जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में तो उत्तर प्रदेश की ये फर्स्ट गवर्नर बनी थी ओके तो फर्स्ट मार्च उन, 1949 में इनकी डेथ हो गई तो बच्चों ये हमने पढ़ा ग्रेट इंडियंस के बारे में होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे